पिछले मोटो व्लॉग में मैंने मुंबई से पाश्चापुर जाने की जर्नी दिखाई है, जिसमें हमने पाश्चापुर जाने से पहले पाली के बल्लाश्वर गणपति के दर्शन किए और उसके बाद दोनों ओर से घेरे हुए हरियाली पहाड़ों के बीच में से हम लोग पहुँचे पाश्चापुर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सुधागढ़ फोर्ट ट्रेक। ट्रिप टू पाश्चापुर सुधागढ़ फोर्ट। रिजल्ट सर काय रात्र रात्रभर मोबाईल पाहिला पाहिजे चालू आहे की बंद हुआ मुझे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ तुम बस बोलो क्या करना है। मेरे को उठा के रिटर्न लाना तुम्हारे हाथ में है। ओके बस यही इधर ही जाना है बस। ओहो मला आता वेगळं वाटायला लागलंय। ऑल द बेस्ट मलाच म्हणायला लागेल स्वतःला। इकडनं शॉर्टकट असेल मधून जाऊया नको चला चला पे जाना है। टेस्टिंग अक्षता असं काही काही करू नको।
चल रे तो सामान चला आता कोणीच दाखवू नको तू आवा नाही गुजवा नाही. पिछले ट्रेक के बाद मैंने डिसाइड किया था कि कोई भी ट्रेक नहीं करूँगा, लेकिन आज फोर्सफुली ये ट्रेक कर रहा हूँ मैं. एंड इतना कुछ फील नहीं हो रहा, लास्ट टाइम में तो हालत टाइट हो गई थी, आज के ट्रेक में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है. एंड पहुँच भी गए हम लोग, ये जो पॉइंट है यहाँ पे अभी जाना है. जाताना इथूनच जायचं वाटतं. हा डायरेक्ट घसरगुंडी.
स्पेशल लोग ऐसे चीज़ें फॉरवर्ड बघायचे जायला अर्धा शायला अर्धा फॉरवर्ड फॉरवर्ड म्हणून पूर्वीच्या काळी राजे महाराजांना इथून जर जायचं असेल त्यांना एक वेगळा रस्ता ठेवला होता जाण्यासाठी म्हणजे कोणी आक्रमण केलं तर मग ते इथून एस्केप लपू शकले जाऊ शकले शॉर्टकट आहे नाही रस्ता आहे पण तो सगळा हे झाला गाडीमध्ये बाहर आएगा म्हणजे नमस्कार माझे नाव विश्वास कृष्णाई तांबट मी पाचशापूर इथे राहतो सुधाड किल्ल्यावर आलेलो आहे आपण आता ट्रेक चालू केला पाचशापूरमधनं पाचशापूरमधून आता आपण दरेगाव ठाकूरवाडीमधनं चालू केलं तिथून येताना पण कमीत कमी इथे देवीच्या देवळापर्यंत देवी पंधराला 2 तास लागतो दुसरा एक महामार्ग म्हणून आहे 200 मार्ग तिकडून साधारण 3 तास वगैरे लागतो गडावर आल्यानंतर पहिलं तळ लागतं कमळ तळ लागतं नंतर मग आपण पंत सचिवाचं वाडा नंतर चोरवाट वगैरे लागते नंतर उजव्या साईडला आपण आलो भोराई मातेच्या साईडला तर टकमक टोक दारुगोळा कोठार वगैरे लागतं आपण भोराई माता मंदिरजवळ आल्यानंतर आपण दर्शन घेतो भोराई मातेचं मंदिर दर्शन घेतल्यानंतर मग सगळ्या सभोवती विरगळपुरी विरगळ समाध आहे मग तिथून आपल्याला तेलबैला दिसतो घरंगाड दिसतो सरसगाड दिसतो म्हणजे असे किल्ले दिसतो आणि मग नंतर मग खाली महादारवाजा वगैरे मोठे पुढे हनुमान मंदिर वगैरे नवरात्रामध्ये 9 दिवस चांगला देवीचा उत्सव वगैरे चालू असतो शिवाजी महाराज की जय आला इकडून पण आला इकडून पण आला किती खालपर्यंत की अर्धवट पूर्ण खाली जाऊ शकतो पण तो आता सगळं झाडी नाही झालं कोण जात नाही जरा खूप डेंजर असतं म्हणजे धोकादायक असतो हा रस्ता आहे का तो मंदिरचा रस्ता हा इथून खालला जायचे इथून खाली फुलला
चल इथून पण चालेल चल ओके सो गुड मॉर्निंग दिस इज़ द नेक्स्ट डे और ये देखिए हम लोग कल यही पहाड़ पे गए थे सुधागढ़ फोर्ट। हमको टोटल लगे 5.5 घंटे चढ़ने और उतरने में। हमने करीबन 2 बजे चालू किया था और 7 बजे हम लोग नीचे आए। सो 5:30 आवर्स कंसीडर करके चलिए इजी था। बीच बीच में सिर्फ जहाँ पे स्टेयर केसेस आते हैं तो वही पैच सिर्फ आपके थाइज पेन कराएगा अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। बाकी तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिर्फ एक डिसएडवांटेज ऐसे हुआ कल जाने का कि बारिश नहीं थी। बारिश अगर रहती तो उतर तक प्रॉब्लम आता क्योंकि वहाँ पे जो लाल मिट्टी है उस पे से फिसलते हैं। इसके लिए फिर बारिश नहीं थी, वो एक अच्छी बात भी है और एक डिसएडवांटेज भी ऐसा बोल सकते। सो अभी मैं निकलने वाला हूँ मेरे घर पर जाने के लिए। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो खेत देखने जाने वाले। एंड सीरियसली दिस व्यू इज़ टोटली ऑसम। ये फील, गांव का फील, प्रॉपर गांव का फील जो है वो बहुत अलग है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन 2 दिन अगर आपको शांति से रहना है तो ऐसे जगह पे अगर आप जा रहे हो देन दैट इज़ द परफेक्ट वन। क्योंकि ये देखिए ये घर है, पीछे खेती है एंड वहाँ भी खेती है, यहाँ पे ऊपर घर है। तो ऐसे जो भी लोकेशन से अगर आप वहाँ पे जा रहे हो सो मज़ा आ जाएगा।